4:30 के खास रील का एक खास गाना आया है दोष। तो आज की इस वीडियो में हम दोष गाने का रिव्यू करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4:30 के पिछले 4-5 गानों में वीडियो का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी हरियाणा में ऐसी वीडियो कम ही देखने को मिलती है। इस गाने में भी कुछ ऐसा ही था, वीडियो का लेवल काफी हाई था। बस वीडियो में एक कमी लगी, वो ये थी कि जैसे पंजाबी गानों में होता है कि लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कार की डिग्गी में से गुब्बारे निकालता है। चलो एग्जाम्पल ही देख लो, ऐसे तो नहीं समझ आएगा। तो जैसे पंजाबी गानों में लड़का कार की डिग्गी में से गुब्बारे निकालता है, वैसा ही इस वीडियो में भी था। लाइफ टाइम तेरी केयर करूं, तेरे दुख सुख सारे शेयर करूं। तो ये चीज थोड़ी कॉपी और पुरानी सी लगी। वैसे ये चीज कोई बुरी नहीं लगी, बट इससे अलग कुछ और चीज होती तो और बढ़िया फीलिंग आती। शायद खासा 4 ने पहले इस गाने की वीडियो की कहानी सोची होगी, तभी तो जो जो खासा 4 ऑडियो में बोल रहा है वो वीडियो में हो रहा है, यानी जो वीडियो में हो रहा है वो खासा 4 ऑडियो में बोल रहे हैं। वही की वही चीज। वीडियो की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है जो ना ही सुन सकती है ना ही बोल सकती है, तो ऑडियो में भी खासा 4 ने यही बात बोल रखी है। और एक लाइन और है जो कि गाने की मेन लाइन है। ये सब कुछ तो स्वाभाविक है, ना इसमें तेरा कोई दोष है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सब कुछ स्वाभाविक है, इस चीज में तेरा कोई दोष नहीं है, यानी जो भी वो लड़की सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती, तो इस चीज को लेकर खासा 4 बोल रहे हैं कि इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, यानी ये तेरी किस्मत है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तो यानी पहले खासा 4 ने इस गाने की कहानी सोची होगी कि भाई वीडियो में ऐसा ऐसा होगा, उसी हिसाब से बाद में इस गाने की लिरिक्स लिखे गए होंगे। लास्ट में गाने में होता ये है कि वो लड़की सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती पर देख तो सकती है, तो लास्ट में लड़की को खासा 4 एक बहुत बढ़िया जगह ले जाते हैं, जिस जगह को देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। अब बात करते हैं गाने के म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक में थोड़ा मोहतरमा गाने जैसा फील आ रहा था, बट ऑल ओवर गानू भाई ने म्यूजिक काफी बढ़िया दिया है और गाने की कंपोजिशन भी काफी बढ़िया थी। बट खासा 4 एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। चलो पहले आप एग्जाम्पल ही देख लो। तो खासा 4 एक शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। इस चीज को लेकर एक बंदे ने कमेंट करा है कि खासा 4 हरियाणा का टोनी कक्कर है, क्योंकि टोनी कक्कर भी एक शब्द को बार बार रिपीट करता है। वैसे इस कमेंट को मैंने वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि जो खासा 4 एक शब्द को रिपीट करते हैं, इससे अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर खासा 4 के सभी गानों में थोड़ी थोड़ी सेम सी फीलिंग आने लगेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। एग्जाम्पल बताऊं तो रेणुका पनवार के सभी गानों में सेम सा कंपोजिशन सेम सा म्यूजिक होता है, इससे सभी गानों में सेम सी फीलिंग आती है। ऑल ओवर गाना काफी बढ़िया था और गाने को देखकर लगता है कि ये गाना हिट और सुपर हिट जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना रिव्यू कैसा लगा।